आज बरसात की पहली बारिश शुरू हो गई है। तुम्हें बारिश की अहमियत मालूम है? इतवार की बारिश पूरे दिन दुआएं कबूल होती हैं। तुम अपने लिए क्या दुआ मांगोगे? मुझे दोस्त चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त। मेरी मासी अम्मा। सोने का वक्त हो गया है आबिद, जो दवाई लगाने दो। ये लो, पीर साहब ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। सोने से पहले शौदाला साहब की कहानी सुना? जी मौसी। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत नेक सच्चा और ईमानदार आदमी था। दूर दराज से लोग आते थे उसके पास अपनी दुआएं करवाने के लिए, ख़ास तौर पर बे औलाद जोड़े। उसको ये भी मालूम हो जाता था कि उस बिन औलाद जोड़े पर बददुआ है, उनकी पहली औलाद मनहूस होगी और जब वो बड़ी होगी तो उसका चेहरा चूहे की तरह छोटा रह जाएगा। इसलिए वो कहते थे कि अपनी पहली औलाद को उनके पास छोड़ दिया जाए, ताकि उस जोड़े के बाकी तमाम बच्चे सेहतमंद पैदा हों, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाए और उसकी बद्दुआ और नहुसत टूट जाए तो वो पाक हो जाएगा और वापस चला जाएगा। फिर उन बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया। लोग उन बच्चों से बहुत डरते थे, लेकिन मज़ार के मजावरों ने उनको प्यार और उनकी हिफाजत की। आज अब एक छोटा सा लड़का आबिद, जिसको बचपन में मनहूस करार दे दिया गया था, वो मज़ार पे रहता है। और इस इतवार की बारिश में जब उसके लिए दुआ होगी ना, तो उसके ऊपर लगी हुई मनहूसत टूट जाएगी। शबा खैर आबिद। कोई अंदर है सलीम? मुझे लगता है कोई अंदर है। कुछ अंदर हिला है? बकवास ना कर यार, हो ही नहीं सकता। ये सबक है जो आज की हरकत का। अगर कल पीर साहब ने कुछ किया ना, तो तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। सबर करना सीखो।
दर्द है आबिद? आबिद क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ क्यों क्यों किस चीज से डर गए आबिद? मुझे डर लगा, प्लीज हाजी मां। क्यों क्यों बाहर नहीं जाना तुम्हें? हाँ तुम्हें मिलना, तुम्हें बाहर नहीं जाना तो लोग तुमसे कितना प्यार करेंगे। हाँ तो सोच लो तुम क्या दुआ मांगोगे और आज पीर साहब भी तुम्हारे लिए दुआ मांगेंगे। हाँ सब ठीक हो जाएगा आबिद, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, जल्दी से तैयार हो जाओ। मासी अम्मा आप किस चीज के लिए दुआ करोगे? मैं तुम्हारी नहुसत खत्म हो जाए उसके लिए। अरे वाह बहुत प्यारे लग रहे हो आबिद, बहुत अच्छे लग रहे हो। आओ चलो चलें, सब तैयार है, आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं आ जाओ। अच्छा यहाँ कभी वापस मत आना।
बयां।